हाय गाइस, सो जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में बोला था कि हमारे ऑफिसेज चालू हो चुके, हम अब वीकेंड ट्रैवल्स ही करेंगे, बट वीकेंड ट्रैवल्स में बॉम्बे में रह के हमको थोड़ा लोनावला खंडाला के आगे भी बढ़ना है। सो हियर वी आर विद अनदर यूनिक नहीं बट एक ऐसी जगह है जो आप बॉम्बे से इजीली कवर कर सकते हो एंड वो है माउंट आबू। सो वी आर इन माउंट आबू एंड आपको हम अच्छे से दिखाएंगे माउंट आबू में आप क्या क्या कवर कर सकते हो। हम आए ओवरनाइट ट्रेन ली, रात फ्राइडे रात को हमने ट्रेन ली, सुबह 8 बजे हम पहुंच गए थे आबू रोड और वहां से कैब लेके हम आ गए माउंट आबू में। तो आबू रोड इज द स्टेशन एंड वहां से माउंट आबू आने के लिए आपको 45 मिनट्स की कैब राइड करनी पड़ती। कैब के कॉस्ट होते हैं क्लोज टू बिटवीन द रेंज ऑफ 700 to 1000 rupees एंड ट्रेन का कॉस्ट होगा बेसिस आप थर्ड एसी लो या सेकंड एसी लो, जो भी रेलवे के IRCTC के जो कॉस्ट है वो आपको एप्लीकेबल हो गए। सो स्टे ट्यून्ड, माउंट आबू में आप क्या क्या कर सकते हो ओवर दी वीकेंड विल डेफिनेटली शो यू। हम कौन से होटल में रुकने वाले और क्या क्या आप एक्सप्लोर करने वाले सारी चीज आपको डिटेल में बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। गाइज, जब वी आर इन माउंट आबू, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वेयर आर वी स्टेइंग। वी आर स्टेइंग एट दिस बुटीक होटल कॉल्ड मैरीगोल्ड। आज रात हम वहाँ रुकने वाले हैं, काफ़ी नज़दीक है बाकी सारे पॉपुलर लोकेशंस के एंड बहुत कुछ अच्छे अच्छे फैसिलिटीज भी है। आइए मैं आपको क्विकली होटल का एक टूर दे देता हूँ। Marigold is a boutique hotel in Mount Abu and काफी artsy है and it has you know those cute looking corners. The hotel also has an in-house restaurant जो काफी अच्छा खाना serve करता है. Well, the best part about this hotel is इसमें एक swimming pool भी है and एक glass house भी है जो रात में बहुत ही बढ़िया दिखता है. Speaking about the room, it is quite spacious and comfortable. The bathroom is also decent enough and very well maintained. So guys, after just थोड़ा room में refresh और retire करके अब मैं जा रहा हूँ अकेले trek पे। कोटागिरी में भी मैं अकेले ही गया था, यहाँ पे भी मैं अकेले ही जा रहा हूँ। Sharanya is not very much into trek and all. So let's see if this is worth it. So guys, now we are here. We are taking the Craig's Path Trail and I have Mr. Harsh with me, professional guide who takes tourists on trekking and quite well informed about the flora and fauna of Mount Abu. Interesting चीज़ उन्होंने ये बताई कि आप Mount Abu में थोड़ा भी अगर off track चले गए, off the path चले गए, that means you are in wildlife zone. It's a forest reserve, most of the places here. अब हम जा रहे हैं Craig's Path के trekking पे। ये basically it's kind of unexplored only क्योंकि most of the Indian tourists don't come over here and शायद कोई wildlife भी spot हो जाए। मैं already थक गया हूँ। Stay around, stay tuned. So ये यहाँ पे करवंदा बोलते हैं उसको, वो तोड़ के खा रहे हैं हम। थोड़ा सार सा टेस्ट है बट अच्छा है, टाइम पास के लिए खा सकते हो अब। So this rock what you guys can see is it looks like a rhino and all these you have a lot of rocks this entire Aravalli range due to volcanic eruption thousands and thousands of years ago and one of the oldest mountain ranges across the globe. And yeah, one more important thing, this trek has been arranged by the Marigold Hotel where we are staying. Hotel to wo acha hai, uske sath ye sare experiences jab aa jate hai, unexplored, untapped, unique, you know, it just takes your visit experience to Mount Abu to another level. एक यूनिक एक्सपीरियंस हम आपको कराने जा रहे हैं। ट्रेल्स तो आप इंडिया में बहुत जगह पे कर सकते हो, लाइक जितने भी हिल स्टेशन है वहाँ पे आपको ट्रैकिंग ऑप्शन मिल जाएगा, पर ट्रैक के साथ ऐसी नेचुरल केव्स आपको नहीं मिलेगी। अभी हम आपको केव्स में ले जाएंगे जो नेचुरली वॉल्केनो एक्टिविटी के द्वारा बनी हुई है, वो अभी वाइल्ड लाइफ यूज़ करते हैं और ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है, इसको केविंग बोलते हैं, आप स्पंकलिंग भी बोल सकते हैं इसको। तो हम लोग एक साइड से एंटर करेंगे और दूसरी साइड से एग्जिट करेंगे। ये एक नेचुरल यूनिक एक्टिविटी है, वो एक आपके ट्रिप का हाईलाइटेड पार्ट भी हो सकता है। सो दिस वॉज माई फर्स्ट एवर केविंग एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि काफ़ी यूनिक था, यानी ये सारी जो रॉक फॉर्मेशन है ये सब नेचुरल है जो एक्चुअली यू नो काफ़ी यूनिक बना देती है। अंडरस्टैंड करना यू नो व्हाट टेक्निक टू यूज़, हाउ टू स्नीक थ्रू दीज स्मॉल गैप्स एंड स्टफ, काफ़ी एडवेंचरस था।
तो आप माउंट अबू में रहोगे तो केविंग डेफिनेटली ट्राई करना। तो गाइस बहुत मजा आ रहा है ट्रेल में। इनफैक्ट द केव थिंग व्हाट वी डिड वाज वेरी यूनिक, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है वो, डेफिनेटली रेकमेंडेड। अब हम जा रहे हैं सनसेट देखने, वो मैं आपको दिखाता हूँ, बने रहो। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव एवर हैड, ऑल थैंक्स टू मिस्टर हर्ष। ही हैज हिज ओन हाइकिंग एंड ट्रेकिंग कंपनी, उनके कंपनी एंड उनके ग्रुप का नाम है, जो पूरे माउंट आबू में आपको ट्रैक एंड हाइक्स पे लेके जाएंगे। हमने बेयर स्पॉट किया, हमने बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट देखा, एंड हाँ, व्हेन यू स्पॉट बेयर यू नीड अ प्रो गाय लाइक हर्ष ओवर हियर, बिकॉज दे यू नो थिंग्स कैन गेट रियली scary, you know, not so great if you have sloth bears around you, but when you have someone like him around, you know, you are in safe hands. So now we are heading back. ab main trek to ho gaya hai na Harji, trek ho gaya hai Harji, aapko aur kuch bolna hai logo ko jo bhi video dekh rahe hain? Main to important information dena chahunga ki aap Mount Abu aaiye, Rajasthan ka only hill station hai. Apart from lake temples, we have beautiful nature aur yahan kafi natural trails hai, wo har age ke group ke liye, bachcho se leke aged group ke liye, sunrise treks hai, sunset treks hai, long treks hai, half day treks hai, matlab aap jitni bar aaoge aap itni bar new trails explore kar sakte ho. Abu ko thoda sa eco adventure mein thoda sa promote karne ki koshish kar rahe hain hum log. Thank you sir for choosing our team hiking and trekking company. Anytime. It's a pleasure to show our beautiful nature of Mount Abu and this amazing mountain range of the world around you. Absolutely. Or, you know, I had a very good time, great time. The best part is, जब आप काफी यानी माउंट आबू अगर हम सुनेंगे तो काफी कमर्शियल है, लेक्स टेम्पल जैसे आपने बोला, बट ये जो चीज़ आप जब एक्सप्लोर करोगे ना, यू विल टेक सम मेमरीज बैक जो हमेशा आपके साथ रहेगी, एंड ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। सनसेट पॉइंट जो हमने देखा, एक सनसेट पॉइंट है जहाँ पे यूजुअली टूरिस्ट जाते हैं, इस सनसेट पॉइंट पे सिर्फ हम दोनों थे और एक भालू था। बट इसके लिए थोड़ा सा आपको ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि शायद आपने कहीं सुना भी होगा, बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइम। एब्सोल्युटली, एंड आई अग्री टू इट। हमने काफ़ी क्लाइम वाइम किया, केव्स वेव्स, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था हर जी। सो डेफिनेटली एज यू नो, इफ़ यू आर इन माउंट आबू, यू डेफिनेटली हैव टू गेट इन टच विद मिस्टर हर्ष। उनका नंबर स्क्रीन पे आता होगा और मैं इनकी लिंक एंड इनके डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आई सी यू अराउंड, और बहुत माउंट आबू एक्सप्लोर करना बाकी है, बट ट्रैक यहीं पे ख़त्म होता है, वीडियो और एक्सपीरियंसेस चलते रहेंगे। सो आफ्टर द ट्रैक आई हेडेड बैक टू द रूम, फ्रेशनड अप, and then again stepped out for dinner. So जिस होटल में हम खाना खाने गए वहाँ एक पपेट शो भी देख लिया, काफी ओके सा था बट फनी भी था। तो नाउ वी आर हियर फॉर आवर डिनर। डिनर के लिए हम आए हैं मलबरी रेस्टोरेंट में, जो हिल टोन होटल के अंदर है। So we just decided we step out, थोड़ा घूमते ऐसे ही माउंट आबू एंड बाहर किधर खाना खाते, एंड उसके बाद डेजर्ट खाने के लिए, आइसक्रीम एंड रबड़ी खाने के लिए हम विल हेड ऑन टू द स्ट्रीट्स, एंड मे बी यहाँ पे भी खा सकते हैं, यू नेवर नो। यहाँ पे हमने ऑर्डर की है आलू प्याज की, राजस्थानी आलू प्याज की सब्जी, काफ़ी रिकमेंडेड है इंटरव्यूज के थ्रू। हम लोग आए यहाँ मलबरी, सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ डिनर ओवर हियर। सो ऑर्डर करने के बाद फाइनली हमारा खाना आ गया, एंड मस्त से दी कबाब्स वर यम, यानी टू गुड। Then it was time to taste the highly recommended
आलू प्याज की सब्जी, बट वो काफी ऑयली थी, यानी आलू और प्याज तेल में तैर रहे थे तो काफी ऑयली थी, बट टेस्ट ठीक ठाक ही कर रही थी। एंड देन इट वॉज डिजर्ट टाइम, which was also not bad. After that, we finally headed back to our hotel. But before we sign off, leaving you guys with some funny visuals of Sharanya. Hi, बोल सबको। Hi. हम लोग को Instagram में किसी ने तो अरे बोला। Proper start. हाँ फिर से। Hi guys.